नमस्कार किसान भाइयों, अपने इस भाग में हम बात करेंगे बटेर पालन की। जी हाँ, कुक्कुट पालन में नए विकल्प के तौर पर आप सभी के लिए कम खर्च में अधिक आय पाने का जरिया बना है बटेर पालन। हालांकि बटेर की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने इसके शिकार पर रोक लगा दिया था, लेकिन फिर इसकी क्षमता को देखकर सरकार ने इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 से फ्री कर दिया। यानी अब आप लाइसेंस लेकर स्वदेशी बटेर पाल सकते हैं, लेकिन जहां तक मुनाफा कमाने की बात आती है तो उसके लिए जापानी बटेर पालना बेहतर होगा। तो चलिए, इस भाग में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि बटेर पालन आपके लिए क्यों है लाभकारी। आज के समय में अच्छी आमदनी के लिए मुर्गी पालन के जैसा ही एक अन्य व्यवसाय बेहद लोकप्रिय हो रहा है, और वो है बटेर पालन। वैसे स्वरोजगारी बंधु जो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर इस तरह के रोजगार को अपनाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो मुर्गियों की तुलना में जापानी बटेर की विशेषताओं पर जरूर गौर करें। बटेर की ये प्रजाति प्रतिवर्ष 3 से 4 पीढ़ियों को जन्म दे सकती है। मादा बटेर 45 दिन की आयु से ही अंडे देना शुरू करती है और 60वें दिन तक पूर्ण उत्पादन की स्थिति में आ जाती है। अगर अनुकूल वातावरण मिलता रहे तो मादा बटेर लंबे समय तक अंडे देती रहती है। ये बटेर प्रतिवर्ष तकरीबन 300 अंडे तक दे सकती हैं। एक मुर्गी के लिए निर्धारित स्थान में 8 से 10 बटेर रखे जा सकते हैं। छोटे आकार के होने के कारण इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, साथ ही इन पर दाने का खपत भी कम होता है। शारीरिक वजन की तेजी से बढ़ोतरी के कारण ये 5 सप्ताह में ही खाने योग्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि मुर्गियों की तुलना में बटेरों में संक्रामक रोग कम लगते हैं, जो इसे व्यापारिक तौर पर उपयोगी बनाते हैं। बटेर पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए उनके विभिन्न नस्लों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं बटेरों के विभिन्न नस्लों की पहचान कैसे की जाए और उनकी उपयोगिता क्या है। बटेर को उनके पंखों के रंग के आधार पर विभिन्न किस्मों में बांटा जा सकता है, जैसे फराओ, इंग्लिश सफेदे, टॉक्सीडो, ब्रिटिश रेंज और मांचूरियन गोल्ड। इनके अलावा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो नस्लें विकसित की गई हैं वो हैं कैरी उत्तम, जिसे बॉयलर बटेर कहा जाता है, कैरी उज्जवल, जो सफ़ेद छाती वाले बटेर होते हैं, कैरी श्वेता यानी सफ़ेद पंख वाले बटेर, कैरी पर्ल यानी सफ़ेद अंडा देने वाली बटेर। बटेर में अंडा उत्पादन क्षमता अधिक होती है, लेकिन जहाँ तक चूजों के देखभाल की बात है तो उसमें मुर्गियों और बटेरों में कुछ खास अंतर नहीं देखा जाता। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बटेर से अंडा उत्पादन और इसके चूजों की देखभाल कैसे करें। 5 से 7 सप्ताह की आयु वाले बटेर से अंडे मिलने लगते हैं। प्रजनन के लिए 3 मादा पर एक नर की व्यवस्था करनी चाहिए। बटेर के अंडों का उष्मायान और स्फुटन यानी हैचिंग कृत्रिम तरीकों से इंक्यूबेटर में आसानी से किया जा सकता है। अंडों को सुरक्षित रूप से सेने के लिए तापमान और नमी पर विशेष ध्यान देना होता है। आपको बता दें कि अंडा सेने के समय 0 से 14 दिनों तक तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी 87% होना चाहिए। इसके बाद 15 से 17 दिनों तक तापमान 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं नमी की मात्रा 90% होना चाहिए। ध्यान रहे कि 14 दिनों तक एक निश्चित समय पर अंडों का उलटना पलटना जारी रखना होता है। फिर 14 दिनों के बाद अंडे को इंक्यूबेशन मशीन से हैचिंग मशीन में रख दिया जाता है। फिर 18वें दिन से अंडे से चूजा निकलना शुरू हो जाता है। अब बात आती है चूजों के पालन पोषण की। बटेर के बच्चे का वजन लगभग 7 ग्राम होता है, इसलिए उसकी देखभाल काफी सावधानी पूर्वक करनी होती है।
खासकर पहले सप्ताह में चूजों का मृत्यु दर अधिक देखा जाता है, इसलिए शुरुआती दिनों में बटेर के चूजों पर विशेष ध्यान देना होता है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर बच्चों की इसी प्रारंभिक सप्ते में होती है, और उसकी दो प्रमुख वजहें हैं। उस पहले प्रमुख वजह है कि पानी के देने के तरीके पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि बटेर को सीधे पानी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे का वजन 7 से 8 ग्राम शुरुआती दिनों में होता है। कोई भी पानी के बर्तन में इस तरह का वो कंकड़ और पत्थर भर दें और उसके बीच में पानी दें, क्योंकि वो चोंच से वो पिए, इससे बटेर के बच्चे भींगते नहीं हैं। और नहीं तो सबसे ज़्यादा मृत्यु जो बटेर को देखने में मिलती है बटेर के बच्चों की, वो ये होती है कि बच्चे अगर हम लोग इसका इस्तेमाल पत्थर का नहीं करते हैं, कंकड़ का नहीं करते हैं, तो बच्चे इसमें पूरी तरह से भींग जाते हैं और उन निमोनिया से ग्रसित होकर भारी मात्रा में बच्चे मर जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये होती है बटेर की, क्योंकि बटेर के बच्चे का पाँव बहुत नाजुक होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अगर एक बार किसी भी बटेर के बच्चे का पाँव फिसल करके टूट जाता है, ये बटेर के बच्चे के मरने की दूसरी सबसे प्रमुख वजहें हैं। तो इसके जगह पर हम लोग कॉरूगेटेड शीट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बहुत ही बड़ी और सफल मात्रा में हम लोग बटेर के बच्चों का पालन कर सकते हैं। और किसान भाई एक बात ध्यान दे दें कि एक बार जब आप बटेर के बच्चे को एक सप्ताह तक जितनी कम मृत्यु होगी आपकी आमदनी उतनी ही ज़्यादा होगी। चूजों का पालन जमीन पर डीप लीटर पद्धति या बैटरी ब्रूडर में किया जाता है। इसके लिए बैटरी ब्रूडर काफी उपयुक्त माना जाता है। शुरू में होभर के नीचे 35 से 37 डिग्री तापक्रम होना चाहिए। इसको धीरे धीरे घटाकर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जा सकता है, लेकिन तब जब चूजे 3 से 4 सप्ताह की उम्र के हो जाए। चूजों की देखभाल के बाद अब बारी आती है बढ़वारी और वयस्क बटेर को रखने के तौर तरीकों को बेहतरीन तरीके से समझने की। जी हाँ, बटेर पालन के लिए जो वैज्ञानिक तौर तरीके बताए जाते हैं उनको अपनाने से फ़ायदा ये होता है कि ना आपको व्यापार में घाटे की संभावना रहती है और ना ही आपको अधिक लागत लगानी पड़ती है। तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी। बटेर के चूजों को 3-4 सप्ताह बाद तापक्रम की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए इन्हें बैटरी ब्रूडर से निकालकर ग्रोवर घर में रख देना चाहिए। बैटरी ब्रूडर में प्रति चूजा 150 से 180 वर्ग सेंटीमीटर एवं डीप लीटर विधि में 200 से 250 वर्ग सेंटीमीटर जगह होने के साथ ही 12 घंटे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि 4 सप्ताह की उम्र में चूजों के ऊपर के चोंच को थोड़ा काट देना चाहिए, जिससे कैनिबालिज्म नाम के रोग से चूजों को बचाया जा सके। वहीं वयस्क बटेरों यानी 5 सप्ताह की आयु के बाद बटेरों को पिंजड़ों या फर्श पर रखा जा सकता है। जमीन पर लीटर भी मुर्गी घर जैसा ही दिया जा सकता है। लीटर की मोटाई 10 सेंटीमीटर पर्याप्त है। यूं तो 2.5 से 3 वर्ग फीट स्थान में 8 से 12 बटेर रखे जा सकते हैं, लेकिन अंडा देने वाले बटेर को अगर बैटरी विधि से पालना हो तो प्रत्येक पिंजड़ा का आयतन इतना होना चाहिए कि उसमें एक नर और एक मादा को साथ साथ रखा जा सके। इससे निश्चित अंडे प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो बैटरी विधि बटेर पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। अच्छी बात तो ये है कि बटेर में 50% अंडा उत्पादन 8 सप्ताह के बाद ही पहुंच जाता है। 10 सप्ताह के बाद अंडा उत्पादन अधिकतम सीमा पर होता है और 26 सप्ताह के बाद अंडा उत्पादन कम होने लगता है। एक ओर जहां मुर्गियां 75% अंडे सुबह के समय देती हैं, वहीं बटेर 75% अंडे शाम 3 बजे से 6 बजे के बीच देती है। बटेर के आहार के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। बटेरों के लिए आहार प्रबंधन करना बिल्कुल मुर्गियों की तरह ही है। तो चलिए जान लेते हैं कैसा हो बटेरों का संपूर्ण आहार। बटेर का शारीरिक बढ़वार 10 से 12 सप्ताह की उम्र में पूरा हो जाता है। शुरुआती 3 सप्ताह में बढ़वार अधिकतम होती है, इसलिए बटेरों के संतुलित आहार में 27% प्रोटीन एवं 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति किलो दाना में देना चाहिए। फिर 3 से 6 सप्ताह के आहार में 24% प्रोटीन एवं 29 किलो कैलोरी ऊर्जा बटेर के प्रति किलो आहार में निश्चित रूप से होनी चाहिए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वयस्क बटेर प्रतिदिन 14 से 20 ग्राम खाना खाता है। और रही बात नए चूजे के लिए आहार प्रबंधन की, तो आरंभिक वर्धनशील चूजे तथा अंडा देने वाले बटेर का आहार बाजार में उपलब्ध किसी अच्छी कंपनी के ब्रॉयलर कॉन्सेंट्रेट के प्रयोग से सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है। मुर्गे मुर्गियों में लगने वाली बहुत सी बीमारी बटेरों में नहीं पाई जाती, लेकिन उनके संपर्क में आने से बटेर भी आक्रांत हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बटेरों में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और उनसे बचाव कैसे संभव है। बटेर में मुर्गियों की अपेक्षा बहुत कम बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां बटेर में हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रमुख है अल्सरेटिव इंटराइटिस। इसमें बटेर के इंटेस्टाइन के अंदर एक अल्सर हो जाता है जो एक जीवाणु जनित बीमारी है। या साधारणतः बटेर अकेले में झुक कर रहता है, झुंड से अलग रहता है, उसके पंख जो है नीचे गिरे रहते हैं, और जब बटेर मर जाता है, जब हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके इंटेस्टाइन के अंदरूनी भाग में अल्सर पाए जाते हैं जो काफ़ी भयावह होता है। और इससे बचाव के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस लीटर पर हम बटेर का पालन करते हैं वो लीटर बिल्कुल गंदा ना हो। दूसरा कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जिनका जो ट्रांसमिशन होता है, वो बटेर के ड्रॉपिंग, जो इन्फेक्टेड बटेर का ड्रॉपिंग्स होता है, उसके द्वारा एक बटेर से दूसरे बटेर में ट्रांसमिट होते हैं ये। दूसरी जो बटेर में प्रमुख बीमारी है, उनमें कोक्सीडियोसिस है। कोक्सीडियोसिस भी डीप लीटर और ख़राब रख रखाव की वजह से बटेर में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इसमें हम साधारणतः देखते हैं कि सारे बटेर्स एक जगह झुंड में एकत्रित रहते हैं, उसके अलावा पंख गिराकर रहते हैं, और साथ में देखते हैं हम कि उनके ड्रॉपिंग्स में खून सना आता है, खून आता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग एम्प्रोलियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो कोक्सीडियोस्टेट के नाम से मार्केट में मिलता है। अगर हम इसका एक हाफ टी स्पून एक गैलन पानी में हम लोग 5 से 7 दिनों तक उपयोग करते हैं तो हम लोग कोक्सीडियोसिस से निजात पा सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी बटेर में साधारणतः देखने को मिलती है वो हिस्टोमोनियासिस होती है, जो हिस्टोमोनिया मिलियाग्रेटिस जो एक प्रोटोजोआ है उसके द्वारा बटेर में होती है। ये बटेर में सीकल वर्म के थ्रू ट्रांसमिट होती है और ये बटेर के अंदर जाकर उनके लीवर को इफ़ेक्ट करती है और उसको बहुत प्रभावित करती है, और इससे बड़ी संख्या में हमको बटेर में मृत्यु देखने को मिलती है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि समय समय पर डिवर्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। साधारणतः इसे ग्रसित बीमा बटेर्स में हम ये देखते हैं कि बटेर येलोइश हो जाती हैं, उनका जो ड्रॉपिंग्स होता है वो सल्फर कलर्ड का हो जाता है, उन पाँव पंखे झुका के रखते हैं। इन बातों को अगर आप इस लक्षण को देखें तो इससे ग्रसित बटेर को आप झुंड से अलग कर दें और उसका इलाज अलग से करें। तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, बीमारियों के बचाव के लिए कुशल प्रबंधन सबसे अच्छा उपाय है। आहार में अधिक विटामिन और खनिज पदार्थ मिलाना चाहिए। सभी पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बीमार बटेर को तुरंत समूह से अलग कर देना चाहिए। छोटे एवं बड़े आयु के चूजों को अलग अलग रखना चाहिए। रोग मुक्त समूह से ही चूजों को खरीदना चाहिए। खास करके प्रजनन कार्य के लिए रोग मुक्त बटेरों का ही उपयोग करना चाहिए और बीमारी होने पर पशु चिकित्सकों की सलाह लेने के बाद ही दवा देनी चाहिए। अब हमारे स्वरोजगारी भाइयों के लिए बटेर पालन संबंधी जरूरी बातें। बटेर के चूजे किसी मान्यता प्राप्त हैचरी से ही लेना चाहिए। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। चूजों को संतुलित आहार दें ताकि उनकी बढ़वार अच्छी हो और उनमें रोग रोधिता भी बढ़े। दाना पानी देने वाले बर्तनों को दिन में कम से कम एक बार साफ जरूर करें। बीमार और कमजोर पक्षियों को झुंड से अलग रखें। बीमारियों से निदान के लिए बटेरों का मरणोत्तर शव परीक्षण जरूर कराएं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, बटेर पालन का व्यवसाय कुक्कुट पालन के क्षेत्र में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस फिल्म को देखने के बाद आपके पास बटेर पालन से संबंधित सभी तकनीकी जानकारी मौजूद हो गई होंगी। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की बेहतर सहायता के लिए आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों,
मेरी माने तो स्वरोजगार से आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सकती है। आपको ज़रूरत है तो बस थोड़े से हौसले की।